हेलो, दिस इज इनकेमिस्ट एंड यू आर वॉचिंग इनकेमिस्ट क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है और इसका यूज हम स्पोकन और रिटन में कैसे कर सकते हैं। अगर आप स्पोकन ही नहीं बल्कि राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ना जरूरी है। थोड़ी सी हार्ड है क्योंकि इसके लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहना जरूरी है। आखिर परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा चुका हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है तो आप इसे देखेंगे कि हैविंग के साथ में हम वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका यूज हम कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, क्यों करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि हैविंग प्लस वर्ब थ्री प्लस सेंटेंस, उसके बाद हैविंग बीन भी यूज होता है। सिर्फ हैविंग प्लस वर्ब थ्री नहीं बल्कि हैविंग बीन प्लस वर्ब थ्री, उसके बाद में सेंटेंस का यूज करना है। बींग प्लस वर्ब थ्री, जबकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं है, परफेक्ट पार्टिसिपल ये नहीं है, फिर भी इसका यूज क्यों करना सिखा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे कि हैविंग प्लस वर्ब थ्री और बींग प्लस वर्ब थ्री में क्या अंतर है, इन दोनों के प्रयोग में क्या अंतर है। उसके बाद सेंटेंस, यहाँ देखेंगे नाउन प्लस हैविंग प्लस वर्ब थ्री और प्लस सेंटेंस। आखिर ये सब थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है, जटिल स्ट्रक्चर है समझने के लिए, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ आप मेरे साथ बने रहेंगे, हम कम्प्लीटली समझा देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे। सेंटेंस कैसा होता है, जैसे देखेंगे पूछे जाने पर, हारे जाने पर, काम समाप्त करके, गिरफ्तार होने पर, लेकिन इन सभी के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है, उसे समझिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि नाउन प्लस हैविंग प्लस वर्ब थ्री प्लस सेंटेंस, अब इसका प्रयोग कहाँ होगा। इस तरह के सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में चर्चा किया जाए, वो दो व्यक्ति या वस्तु होगा। जैसे देखेंगे द सन हैविंग राइजन, समझना जरूरी है, द सन हैविंग राइजन। अगर कहना है कि सूर्य उगने पर, सूर्य उगने पर, तो इस कंडीशन के लिए आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है, द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई का मतलब चिड़ियाँ उड़ने लगी। तो आपने यहां पर क्या सीखा कि डबल सब्जेक्ट मतलब दो व्यक्ति और वस्तु के बारे में चर्चा होगा, दो अलग अलग एक्शन होगा, एक ही आदमी दो एक्शन नहीं कर रहा है, एक ही आदमी दो काम नहीं कर रहा है, इसमें दो सब्जेक्ट है और काम मतलब एक्शन अलग अलग है। तो पहले वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद हैविंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस बिल्कुल आसान है उसे लिखेंगे। फिर से हम देखेंगे द सन हैविंग राइजन, सूर्य उगने पर द फॉग डिसअपीयर्ड, कुहासा गायब हो गया, सूरज उगने पर कुहासा गायब हो गया। इस कंडीशन में भी आप देखेंगे द सन उसका हैविंग राइजन। यहां देखेंगे द नाइट हैविंग कम का मतलब रात होने पर ऑल वेंट टू बेड, सभी लोग सोने के लिए चले गए। तो यहां पर नाइट क्या है, सब्जेक्ट है, यहां पर हैविंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखेंगे द गोस्ट हैविंग अपीयर्ड, भूत के आ जाने पर, एक सपोजिशनल सेंटेंस यू ही है कि द गोस्ट हैविंग अपीयर्ड ऑल फ्लेड अवे, सभी लोग भाग गए। तो यहां पर क्या है, द गोस्ट के बाद में हैविंग प्लस वर्ब थ्री सब्जेक्ट है, उसके बाद हैविंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग किया गया है। द फादर हैविंग कम, पिताजी के आने पर द सन स्टार्टेड स्टडिंग, पिताजी आए और पिताजी के आने पर जो उनका लड़का है, बेटा है, वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर फिर देखेंगे सब्जेक्ट और हैविंग प्लस वर्ब थ्री, तो ये कब बनाएंगे, जब भी किसी काम के होने पर दूसरा काम शुरू हो गया तो हैविंग सब्जेक्ट हैविंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। सभी सेंटेंस थोड़ी सी कठिन है तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं। तो अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है, हैविंग प्लस वर्ब थ्री और उसके बाद सेंटेंस है, ये थोड़ा सा आसान है, इसके बाद और आसान हो जाएगा। तो किसी काम को करके, अब सब्जेक्ट यहाँ पर एक ही है क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि सब्जेक्ट दो होगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट मात्र एक ही है और एक ही सब्जेक्ट दो काम करता है। जैसे हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, अब अपने बारे में मैं मान लीजिए बोल रहा हूं कि मैंने अपना काम समाप्त करके आई वेंट होम, मैं घर चला गया। मान लीजिए कि मैं ऑफिस में हूं, अपना काम करके मैं घर चला गया, तो इस कंडीशन में हैविंग से शुरू करेंगे। जब भी एक सब्जेक्ट हो और एक ही सब्जेक्ट दो काम को करता है, दोनों काम में अंतराल बड़ा है, जैसे एक काम पहले करके फिर दूसरा काम करता है, तो उस कंडीशन में हैविंग प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, घर पहुंचा और स्नान किया, दोनों काम में बहुत बड़ा अंतराल भी है, हो सकता है 5-10 मिनट के बाद में ही दूसरा काम शुरू किया गया हो।
हैविंग हैड माई ब्रेकफास्ट आई वेंट टू ऑफिस का मतलब है कि मैंने ब्रेकफास्ट करके नाश्ता करके मैं ऑफिस चला गया। तो दोनों काम में एक अंतराल है, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे? हैविंग प्लस हैड माई ब्रेकफास्ट का मतलब है कि हैविंग के बाद में वर्ब थ्री लिखना है। हैव वंस ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता करना होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब थ्री के रूप में हैड माई ब्रेकफास्ट मैंने लिखा है। उसके बाद हैविंग लर्नड द कंप्यूटर ही इज डूइंग अ जॉब, कंप्यूटर सीख करके वह एक जॉब कर रहा है। तो हैविंग प्लस वर्ब थ्री और प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद सेंटेंस को लिखेंगे। Having typed the letter, he posted it का मतलब लेटर को टाइप करके उसने पोस्ट कर दिया। तो यहां पर भी देखेंगे having के बाद में verb 3 का प्रयोग, उसके बाद object और उसके बाद जो sentence आ रहा है उसे लिखेंगे। यहां पर देखेंगे कि having been plus verb 3 और plus sentence। अब यहां पर perfect participle को हम passive के रूप में बना रहे हैं और कैसे होगा? Having been defeated का मतलब हारे जाने पर, पीटे जाने पर, पढ़ाए जाने पर, शांत कराए जाने पर, इस तरह से बोल सकते हैं। तो हैविंग बीन डिफिटेड ही रैन अवे, पढ़ाए जाने पर वो भाग गया। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस होगा कि पढ़ाए जाने पर, सिखाए जाने पर, पैसिव फॉर्म में, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हैविंग बीन और प्लस वर्ब थ्री। लेकिन मैंने इससे पहले बताया था आपको कि घर पहुँच कर वहाँ जाकर हैविंग प्लस वर्ब थ्री, लेकिन जब पैसिव की बात हो किसी काम को किए जाने पर हैविंग बीन प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। हैविंग बीन बीटन अप, पीटे जाने पर, ही स्टार्टेड क्राइंग, वह चिल्लाने लगा। हैविंग बीन आस्क्ड, पूछे जाने पर, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। हैविंग बीन इन्वाइटेड, निमंत्रण दिए जाने पर, आमंत्रित किए जाने पर, ही डिक्लाइंड, उसने अस्वीकार कर दिया। हैविंग बीन अरेस्टेड, गिरफ्तार किए जाने पर, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, उसने अपने अपराध को स्वीकार किया। तो ये सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी ये परफेक्ट पार्टिसिपल को बता रहे हैं ये एडवांस स्ट्रक्चर है और आप इसे न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। तो इन सभी में क्या करना है आपने समझ लिया कि हैविंग बीन प्लस वर्ब थ्री और उसके बाद सेंटेंस का यूज करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री मैंने बताया पैसिव फॉर्म में, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि आप उस चीज को बींग और प्लस वर्ब थ्री का यूज करके भी बना सकते हैं। बिंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करके बना सकते हैं और सेंटेंस सेम होगा, मीनिंग सेम होगा, सेंटेंस अलग होगा लेकिन मीनिंग सेम होगा। जैसे बिंग डिफिटेड का मतलब है हारे जाने पर, ही रैन अवे, वह भाग गया। अब इसे दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, हैविंग बीन डिफिटेड, हैविंग बीन डिफिटेड, मान लीजिए हम लिखते हैं यहां पर हैविंग और बीन डिफिटेड, हैविंग बीन डिफिटेड भी लिख सकते हैं और मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा। और हम चाहें तो शॉर्ट में ये भी ठीक है कि बिंग डिफिटेड ही रहना वे, पीटे जाने पर यानी कि हराए जाने पर वो भाग गया। उसके बाद देखेंगे बिंग बीटेन अप, पीटे जाने पर, ही स्टार्टेड क्राइंग, वो चिल्लाने लगा। उसके बाद देखेंगे बिंग आस्क्ड, पूछे जाने पर, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। बिंग इन्वाइटेड, निमंत्रण दिए जाने पर, ही डिक्लाइंड, उसने अस्वीकार कर दिया। बिंग अरेस्टेड, गिरफ्तार किए जाने पर, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तो इन दोनों को मतलब इससे आप बींग डिफिटेड भी कर सकते हैं, हैविंग बीन डिफिटेड भी कर सकते हैं, मतलब हैविंग बीन प्लस वर्ब थ्री या फिर बींग प्लस वर्ब थ्री भी कर सकते हैं। चलिए अगर आप समझ चुके हैं तो आपसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे पूछे जाने पर उसने बताने से इनकार कर दिया, बिल्कुल ये न्यूज़पेपर का सेंटेंस है। कई बार किसी भी लीडर से या किसी अपराधी से, पत्रकार या कुछ कोई पूछा जाता है तो पूछे जाने पर वो इनकार कर देता है। तो वही सेंटेंस है कि पूछे जाने पर उसने बताने से इनकार कर दिया। तो अब इसे आप कैसे लिखेंगे? पूछे जाने पर तो दो तरीके से बोल सकते हैं इसे, हैविंग बीन प्लस वर्ब थ्री या बींग प्लस वर्ब थ्री, और उसने बताने से इनकार कर दिया। तो इनकार करना का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? डिक्लाइन, टू टेल या डाइवर्स, ऐसे भी बोला जाता है। लेकिन आप अपने तरीके से जो भी लिखना चाहते हैं, जैसा लिखना चाहते हैं सही हो, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को कई तरीके से लिखा जाता है, कई तरीके से बोला जाता है, और सभी तरीका बिल्कुल सही है। डिपेंड करता है कि हम उसे किस मीनिंग के अनुसार बोलते हैं। मीनिंग सही होना चाहिए, सेंटेंस भले ही अलग हो, इंग्लिश सेंटेंस भले ही अलग हो, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं, जो मीनिंग है वो एक होना चाहिए। तरीका अनेक हो सकता है लेकिन मीनिंग एक होना चाहिए। तो पूछे जाने पर उसने बताने से इनकार कर दिया। अब आप इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अभी लिखे, हम एक एक कमेंट को चेक करेंगे, पढ़ेंगे और यहाँ तक कि आपका नाम तक याद रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।